जैसा कि आप अवगत हैं, जल शक्ति अभियान के अंतर्गत भारत सरकार और प्रदेश शासन ने एफॉरेस्टेशन पे बहुत जोर दिया है। हमारे जनपद में जो टारगेट था वो 7.5 लाख वृक्षारोपण के अगेंस्ट हम लोगों ने 10,67,000 किया, जो 45% अधिक है। लेकिन कई नए मॉडल्स भी हमने डेवलप किए हैं। यहाँ जैसा कि आप अवगत हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ की स्ट्रेंथ है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग बहुत इच्छुक हैं कि वो अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे आएँ और कुछ कार्य करें, और इसी के तहत हमने एक मॉडल डेवलप किया है जिसमें डेंस फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को सरकारी ज़मीनों पे और गैर सरकारी ज़मीनों पे डेवलप करने की कोशिश की है। प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करेगा। एक ही चीज़ है कि उनका राइट टाइटल और किसी तरह का लियन नहीं होगा, लेकिन वो अगले 10 वर्षों तक उसको डेवलप करेंगे, फेंसिंग करेंगे और फिर हैंडओवर करेंगे। इसी के तहत आज इससे पहले हम लोगों ने टारगेट किया है कि इस वर्ष 250 एकड़ ज़मीनों पे डेंस फॉरेस्टिंग डेवलप करेंगे। इसी के अंतर्गत आज सैमसंग के साथ हमारा जो एमओयू हुआ है, सैमसंग 70,000 स्क्वायर मीटर पे मियावाकी फॉरेस्ट, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट का एग्जाम्पल होगा, उसको डेवलप करने के लिए आपके समक्ष एमओयू साइन किया है। और आज MD सैमसंग हमारे साथ हैं, उनके साथ एमओयू हुआ है। मुझे विश्वास है कि सैमसंग का जो कंट्रीब्यूशन है CSR के तहत और एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में खासकर, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं सैमसंग को धन्यवाद देता हूँ। ये एक जैपनीज टेक्निक है जिसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है वो डेवलप करते हैं। इसमें काफ़ी अधिक प्लांटेशन कम ज़मीन पे होता है, लेकिन उससे पहले सॉयल का एक रिच ट्रीटमेंट होता है जिसमें काफ़ी अधिक एक्सपेंडिचर लगता है। तो मुझे लगता है कि इस जनपद में कई तरह के वेरिएशंस की आवश्यकता है। उसमें जो मियावाकी हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया है, ये 70,000 स्क्वायर मीटर पे है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होगा। और सैमसंग का ब्रांड नेम है, चूँकि सैमसंग का इंटरेस्ट है, सोसाइटी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए सारी सीरियसनेस के साथ सैमसंग इसको एक अच्छा उदाहरण के रूप में पेश करेगा। एक इंग्लिश में भी कर सकते हैं।